फसा उत्सव के पूर्व ही मसीह यीशु को ये पता था कि उनका संसार को छोड़कर पिता परमेश्वर के पास लौट जाने का समय पास आ गया है। वो उनसे हमेशा प्रेम करते रहे जो संसार में उनके अपने थे, किंतु अब उन्होंने उनसे अंत तक वैसा ही प्रेम रखा। शिमोन के पुत्र कारियोतवासी यहूदा के मन में शैतान ये विचार डाल चुका था कि वो मसीह यीशु के साथ धोखा करे। भोज के समय मसीह यीशु ने भली भांति ये जानते हुए कि पिता ने सब कुछ उनके हाथ में कर दिया है, और ये भी कि वो परमेश्वर की ओर से आए हैं और परमेश्वर के पास लौट रहे हैं, भोजन की मेज से उठकर अपने बाहरी कपड़े उतारे, कमर में अंगोछा बांध लिया और एक बर्तन में जल उंडेल कर शिष्यों के पांव धोने और कमर में बंधे अंगोछे से पोंछने लगे। जब वो शिमोन पतरस के पास आए तो पतरस ने उनसे कहा, प्रभु, आप मेरे पांव धोएंगे? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, जो मैं कर रहा हूं तुम उसे इस समय नहीं, कुछ समय बाद समझोगे। पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, आप मेरे पांव कभी भी ना धोएंगे। यदि मैं तुम्हारे पांव ना धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा, मसीह यीशु ने कहा। इस पर शिमोन पतरस ने मसीह यीशु से कहा, प्रभु, तब तो मेरे पांव ही नहीं, हाथ और सिर भी धो दीजिए। मसीह यीशु ने कहा, जो स्नान कर चुका है वो पूरी तरह साफ हो चुका है, उसे जरूरत है मात्र पांव धोने की। तुम लोग साफ हो, परंतु सब के सब साफ नहीं। मसीह यीशु ये जानते थे कि कौन उनके साथ धोखा कर रहा है, इसलिए उन्होंने ये कहा, परंतु सब के सब साफ नहीं। जब मसीह यीशु शिष्यों के पांव धोकर अपने बाहरी कपड़े दोबारा पहनकर भोजन के लिए बैठ गए तो उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम समझ रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ ये क्या किया है? तुम लोग मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, सही ही है, क्योंकि मैं वो हूं। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं तो सही है कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोओ। मैंने तुम्हारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है, तुम भी वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है। मैं तुम पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, दास अपने स्वामी से बढ़कर नहीं होता और ना ही कोई भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। ये सब तो तुम जानते ही हो। सुखद होगा तुम्हारा जीवन यदि तुम इनका पालन भी करो। मैं तुम सबके विषय में नहीं कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैंने किन्हें चुना है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पवित्र शास्त्र का ये लेख पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसी ने मुझ पर लात उठाई है। ये सब घटित होने के पूर्व ही मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब ये सब घटित हो तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुम पर ये अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, जो मेरे किसी भी भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये कहते कहते मसीह यीशु आत्मा में व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, मैं तुम पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, तुम में से एक मेरे साथ धोखा करेगा। शिष्य संदेह में एक दूसरे को देखने लगे कि गुरु ये किसके विषय में कह रहे हैं। एक शिष्य जो मसीह यीशु का विशेष प्रियजन था उनके अत्यंत पास बैठा था। शिमोन पतरस ने उससे संकेत से पूछा, प्रभु ऐसा किसके विषय में कह रहे हैं? उस शिष्य ने मसीह यीशु से पूछा, कौन है वो प्रभु? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी डुबो कर दूंगा वो। तब उन्होंने रोटी शिमोन के पुत्र कारियोतवासी यहूदा को दे दी। टुकड़ा लेते ही उसमें शैतान समा गया। मसीह यीशु ने उससे कहा, तुम्हें जो कुछ करना है शीघ्र करो। भोजन पर बैठे किसी भी शिष्य को यह मालूम ना हो पाया कि उन्होंने ये उससे किस मतलब से कहा था।
कुछ ने ये समझा कि मसीह यीशु उससे कह रहे हैं कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए शीघ्र मोल लो या गरीबों को कुछ दे दो, क्योंकि यहूदा के पास धन की थैली रहती थी। इसलिए यहूदा तत्काल बाहर चला गया। वो रात का समय था। जब यहूदा बाहर चला गया तो मसीह यीशु ने कहा, अब मनुष्य का पुत्र महिमित हुआ है और उसमें परमेश्वर महिमित हुए हैं। यदि उसमें परमेश्वर महिमित हुए हैं तो परमेश्वर भी उसे स्वयं महिमित करेंगे और शीघ्र ही महिमित करेंगे। मैं बस अब थोड़ी ही देर तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा है वैसा मैं तुमसे भी कहता हूं, जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूं, एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो ये सब जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। शिमोन पत्रस ने पूछा, प्रभु आप कहां जा रहे हैं? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जहां मैं जा रहा हूं वहां मेरे पीछे चलते हुए तुम अभी नहीं आ सकते, तुम वहां कुछ समय बाद आओगे। पत्रस ने उनसे दोबारा पूछा, प्रभु मैं आपके पीछे अभी क्यों नहीं चल सकता? मैं तो आपके लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। मसीह यीशु ने उनसे कहा, तुम मेरे लिए अपने प्राण देने का दावा करते हो? मैं तुमसे कहता हूं मुर्गा उस समय तक बांग नहीं देगा जब तक तुम 3 बार मुझे नकार न दोगे।